सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को बिल्कुल फ्री और बेल आइकन दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल। इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं माइक्रोमैक्स के न्यू मोबाइल लॉन्च के बारे में। माइक्रोमैक्स ने इंडियन मार्केट में अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। उस स्मार्टफोन का नाम है माइक्रोमैक्स इवोक डुअल नोट। इस स्मार्टफोन की सबसे अहम खासियत, इसमें 2 रियर कैमरे दिए गए हैं और इसकी प्राइस 10,000 रुपीज़ से कम रखी गई है। इसके अलावा इस फ़ोन में सेल्फी फ्लैश भी दिया गया है। यह स्मार्टफोन एक्सक्लूसिव तौर पर फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल होगा। माइक्रोमैक्स इवोक डुअल नोट स्मार्टफोन की प्राइस इंडिया में 9,999 रुपीज़ रखी गई है। इस स्मार्टफोन के 2 वेरिएंट हैं जो कि रैम के बेस पर हैं, एक 3GB रैम और दूसरा 4GB रैम। और इस स्मार्टफोन को खरीदने पर आइडिया की तरफ से एक लॉन्च ऑफर भी चल रहा है, जिसमें 443 के रिचार्ज पर 3 मंथ के लिए 84GB डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ दिया जा रहा है। इस स्मार्टफोन पर 11,000 रुपीज़ तक का एक्सचेंज ऑफर भी है और EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। इस हैंडसेट के 2 कलर वेरिएंट हैं, एक गोल्ड एक प्रसियन ब्लू, जो कि 4GB मॉडल में है। अब बात करते हैं माइक्रोमैक्स इवोक डुअल नोट के स्पेसिफिकेशंस की। तो इस फोन में 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले दी गई है। इस डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 1080p x 1920p दिया गया है। इसके साथ ही इस फोन में ऑक्टाकोर मीडियाटेक MT6750 चिपसेट दिया गया है और 3GB रैम और 4GB रैम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और दोनों ही स्मार्टफोन की इंटरनल स्टोरेज 32GB है, जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए 64GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। तो बात करते हैं इस स्मार्टफोन में कैमरे फीचर्स की। तो इस फोन में डुअल रियर कैमरा, एक 13MP का और एक 5MP का कैमरा दिया गया है। इसमें से एक सोनी IMX258 सेंसर है। इसके साथ डुअल टोन LED फ्लैश भी दिया गया है। माइक्रोमैक्स इवोक डुअल नोट में 5MP का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है और ये सॉफ्ट सेल्फी फ्लैश के साथ दिया गया है। और ये 78.4 वाइड एंगल लेंस के साथ और एपर्चर f2.0 से लेस है। माइक्रोमैक्स इवोक डुअल नोट स्मार्टफोन एंड्रॉयड 7.0 नुगट बेस्ड है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी फीचर्स की। तो इसमें 4G VoLTE का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ ही वाईफाई, ब्लूटूथ, USB Type-C पोर्ट, OTG और 3.5mm ऑडियो जैक जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस फोन में एक्सीलोमीटर, एमिट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स जैसे सेंसर्स दिए गए हैं। इस फोन की बैटरी 3000mAh की है और इसके बारे में कंपनी ने दावा किया है कि 260 आवर्स तक का स्टैंडबाय टाइम और 11 आवर्स तक का टॉक टाइम दे सकती है। इसके होम बटन पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी इंटीग्रेटेड किया गया है। कंपनी ने इसके मेटल बैक कवर के बारे में भी बताया है, यानी इसका कवर बैक वो मेटल का दिया गया है। तो फोन फीचर्स और प्राइस के हिसाब से सही है। डुअल कैमरा मॉड्यूल मिल रहा है आपको 10,000 रुपीज़ से कम में, तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, आप इसको ख़रीद सकती हैं। अगर आप इस स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहती हैं तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप आसानी से इस स्मार्टफोन को ख़रीद सकती हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहती हैं, कुछ पूछना चाहती हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी टाइप की और इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड डेली वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।